अक्सर लोग हार्ट फेलियर लेके जब भी हमारे पास आते हैं तो एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि क्या हार्ट फेलियर के हर पेशेंट में एंजियोग्राफी करना जरूरी है? क्या हर पेशेंट जो सिग्निफिकेंट पंप फंक्शन डिटोरिएशन लेके आता है सभी को एंजियोग्राफी करने से कुछ सिग्निफिकेंट फायदा होगा, और इससे लॉन्ग टर्म क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं? किन किन पेशेंट्स का हमें एंजियोग्राफी करना चाहिए और किन किन पेशेंट्स में एंजियोग्राफी नहीं भी करें तो काम चलेगा, और क्या इसके करने के फायदे नुकसान है, इस पर आज बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यदि किसी व्यक्ति को नलियों के ब्लॉकेजेस होने की संभावना है और वैसे व्यक्ति को अगर हार्ट फेलियर हो गया तो डेफिनेटली वैसे में तो आपको एंजियो करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट की मान लीजिए 35-40 वर्ष से ज्यादा आयु है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वजन ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम्स की, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, स्मोकिंग वगैरह करता है, व्यसन वगैरह और भी कोई दूसरे करता है, और बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह का भी प्रॉब्लम है। यदि इस तरह के रिस्क फैक्टर्स किसी को अगर है, या ऑब्वियसली अगर ऐसे कोई पेशेंट को पहले से अगर एंजियो हुआ है और उसको अगर ब्लॉकेज थोड़े बहुत थे, वैसे व्यक्ति को यदि हार्ट फेलियर डेवलप होता है तो डेफिनेटली आपको एंजियो चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि वैसे व्यक्ति को ब्लॉकेज बढ़ने की वजह से हार्ट फेलियर हुआ होगा। हार्ट फेलियर बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी और नॉन इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी का बेसिकली मतलब है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर तो है लेकिन साथ में उसको नली का ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो हार्ट फेलियर हुआ। लेकिन नॉन इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब है कि पेशेंट को कोई ब्लॉकेज नहीं है पर किसी और कारण की वजह से, कोई वायरस के इन्फेक्शन की वजह से या कोई दूसरी बीमारी की वजह से उसको हार्ट फेलियर हुआ है। अब अगर किसी को इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी है यानी कि ब्लॉकेज की वजह से अगर हार्ट फेलियर हुआ है तो वैसे व्यक्ति में एंजियो करने का डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि एंजियो करने में अगर ब्लॉकेज मिलते हैं तो उनको खोलने से हार्ट की नली का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा जिससे हार्ट फेलियर को ट्रीट करने में मदद मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति का एंजियो करने पर पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज नहीं है तो हमारा ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी सिंपल हो जाता है, फिर हमको सिर्फ खाली वाल का प्रॉब्लम है, छेद का प्रॉब्लम है, मसल का प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्रीट करना है। यदि किसी को ब्लॉकेज भी है तो साथ में उसका ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ब्लॉकेज वाले पेशेंट में लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ब्लॉकेज को खोलने से एक रिवर्सिबल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जबकि अगर किसी को ब्लॉकेज नहीं है तो फिर आपको सिर्फ मसल का या छेद का या जो भी ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा, उसमें एक रिवर्सिबल कॉज जो कि आसान है ट्रीट करना वो नहीं रहेगा, तो वैसे में सक्सेस रेशियो थोड़ा कम रहेगा। जहां स्नायु मरने की वजह से अगर हार्ट कमजोर हुआ है तो वहां सक्सेस रेशियो कम रहेगा, क्योंकि आप स्नायु को जिंदा तो कर नहीं सकते, तो वहां सक्सेस कम रहेगा। जहां वैल का प्रॉब्लम से हार्ट फेलियर हुआ है वहां वैल सर्जरी करना रिवर्सिबल तो है पर डिफिकल्ट है, बड़ी सर्जरी है, तो उस मामले में सक्सेस रेशियो कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहेगा। ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, ज्यादातर केस में उसमें स्टेंट डाल के आप ब्लॉकेज को खोल सकते हो, बाईपास करके ब्लॉकेज को खोल सकते हो, नलियों का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होने से सक्सेस रेशियो काफी अच्छा मिलेगा। तो इसके पेशेंट्स में एक ब्लॉकेज का होना या मल्टीपल ब्लॉकेजेस का होना एक अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट करना ज्यादा ईजी होता है। लेकिन हाँ, हर ब्लॉकेज पूरी तरह से ट्रीट हो पाए ऐसा भी जरूरी नहीं, और हर ब्लॉकेज से कार्डियोमायोपैथी हो वैसा भी जरूरी नहीं है। आप मान लीजिए किसी को हार्ट पंप फंक्शन 20% काम कर रहा हो, किसी नली में 50% है, 60% है, 70% है, तो हो सकता है वो ब्लॉकेज हुआ है तो जरूर, लेकिन उससे हार्ट फेलियर नहीं हुआ है, तो वैसे पेशेंट में ट्रीटमेंट करने का ज्यादा मतलब नहीं है। थोड़ा फायदा मिलेगा वैसे लोगों को भी, अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है तो ट्रीटमेंट करने का, कि थोड़ा ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा, पर अगर 70 या उससे कम ब्लॉकेज है तो वहां पर ट्रीटमेंट करने से उतना मतलब नहीं है। जहां आप श्योर हो कि यही ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है तो वहां ट्रीटमेंट करने से ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे नुकसान ये है कि कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट में आप प्रीमैच्योरली स्टेंट कर रहे हैं या बाईपास करने जाते हो बिना ट्राई के दवाओं को, तो कई बार कंडीशन बिगड़ भी सकती है। अब अगर पेशेंट का पंप फंक्शन बहुत खराब है, वैसे में आप स्टेंट डालते हो तो स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस भी हो सकता है, वैसे पेशेंट को आप बाईपास के लिए लेते हो तो बाईपास के दौरान भी मृत्यु होने का चांस कई गुना ज्यादा रहता है, तो वैसे केसेस में आप उल्टा अवॉइड करते हो, पहले कुछ महीने दवाइयों पर चलाते हो और फिर जब कंडीशन सुधरती है तब आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं। पर अगर किसी पेशेंट को कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उसी की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है और सुधर नहीं रहा है तो फिर आपको रिस्क लेके भी एंजियोप्लास्टी बाईपास करना पड़ता है, पर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। जहां पे नॉन इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी सस्पेक्टेड है कि बहुत यंग लड़का है, 20-25 साल का है, उसको हार्ट फेलियर हुआ है, या पहले उसका एक बार एंजियो हो चुका है तब हार्ट फेलियर ऑलरेडी था, अभी वो बिगड़ा है उसकी कंडीशन, या किसी पेशेंट्स को ऑलरेडी कोई और कारण से, कोई छेद की वजह से, वैल की वजह से आपको पता है कि इसी से हार्ट फेलियर हुआ है, तो वहां एंजियो करने का उतना जरूरत नहीं है, जो खासकर बहुत यंग पेशेंट है। 35-40 साल की आयु के बाद फिर अगर आप एंजियो कर रहे हो तो जस्टिफाइड है, क्योंकि उस एज में ज्यादातर ब्लॉकेजेस आना चालू हो जाते हैं,
तो एक बार एंजियो करके देखने में भलाई है कि एटलीस्ट एंजियो से ये पता चल जाए कि ब्लॉकेज का कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, और अगर हो तो उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एज बहुत कम है और 30-35 साल से कम आयु की व्यक्ति में अगर हो रहा है तो फिर आप ये सस्पेक्ट करोगे कि मोस्टली वायरस इन्फेक्शन की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है, तो वहां पे एंजियो करने का उतना मतलब नहीं है। एक और चीज है कि कई बार वैसे केस में भी सरप्राइज हो जाता है, मैंने भी एक दो केसेस ऐसे देखे हैं जहां 30 साल से कम में भी हमने सस्पेक्ट किया था कि इसको वायरस इन्फेक्शन की वजह से हार्ट फेलियर हुआ होगा, लेकिन जब एंजियो किया तो सरप्राइजिंगली ब्लॉकेज निकल आया। तो वैसे केस में कई बार अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और खासकर अगर ईसीजी में कुछ ऐसे क्राइटेरिया है या कुछ स्पेसिफिक इको में क्राइटेरिया है जो मैच करते हैं, तो एक बार एंजियो करने के देखने में बुरा ही नहीं है। पर ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 15-20 साल की आयु में या 10 साल की आयु के बच्चा अगर हार्ट फेलियर लेके आए तो उसका भी आप एंजियो करो, वो मतलब ज्यादा नहीं निकलेगा। पर हाँ, उम्रदराज पेशेंट में जहां 35 से ऊपर एज या 40 से ऊपर एज है वहां ज्यादातर सेंसिबल है, उससे कम में आपको देखना पड़ेगा कि कितना जस्टिफाइड एंजियो करना, कितने रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज वगैरह है, फैमिली हिस्ट्री, तो वहां तो आपको देखना पड़ेगा। जहां वो सब नहीं है तो केस टू केस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, दवाओं का रिस्पांस कैसा है, पेशेंट की ईसीजी को अगर फाइंडिंग कैसी है, ट्रोपोनिन कितना पॉजिटिव है, ये सारे चीजों को हम देख के डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई बार अगर पेशेंट को मान लीजिए छेद का प्रॉब्लम है या वाल का प्रॉब्लम है और उसके लिए पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना है, तो प्रायर टू सर्जरी एक प्रोटोकॉल होता है कि 35 वर्ष की आयु के बाद ज्यादातर पेशेंट का हम एक बार एंजियो देख लेते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर हम किसी ब्लॉकेज को बाद में डिटेक्ट करते हैं तो पेशेंट को फिर दोबारा ऑपरेशन के लिए जाना पड़ सकता है, दिक्कत हो जाएगी। तो ऑपरेशन से पहले अगर हमें पता चल गया कि पेशेंट को ब्लॉकेज वगैरह है तो अगर बाईपास की जरूरत है तो हम साथ ही साथ जब ओपन हार्ट कर रहे हैं तो साथ में बाईपास भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट्स का एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई और कारण से हार्ट सर्जरी होनी है तो 35 वर्ष की आयु के बाद एक बार एंजियो देख लेते हैं। पर ज्यादातर केस में अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है और बहुत ही यंग एज का बंदे को हार्ट फेलियर हुआ है तो एंजियो का उतना जरूरत नहीं है। केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए। हालांकि अगर डॉक्टर आपको एंजियो करने के लिए बोल रहा है तो भी बहुत अनजस्टिफाइड नहीं है, और खासकर अगर पेशेंट को अगर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन वगैरह के लिए जाना है या कोई और बड़ी सर्जरी के लिए जाना है तो फिर वैसे में भी एक बार एंजियो देख लेना चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन से पहले भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि पेशेंट का एक बार एंजियो देख लेना पड़ता है, क्योंकि ग्राफ्ट वगैरह कैसे लगाने हैं, नलिया में कितने ब्रांचेस हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारे डिसीजन के लिए भी कई बार आपको एक बार एंजियो एटलीस्ट देखना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर सर्जरी होने के बाद कुछ सरप्राइजेस निकल के आती है तो फिर आपको परेशानी होती है। तो कितने ब्लॉकेजेस है, क्या है क्या नहीं, वो सब देखने के लिए अगर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को जाना है तो भी एक बार एंजियो देख लेते हैं। कोई बड़ी सर्जरी के लिए जाना है तो एक बार एंजियो देख लेते हैं। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो एंजियो देख लेते हैं। अगर नया किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ जो कि पहले बिल्कुल ठीक था, सडनली हार्ट फेलियर बिगड़ गया है, जो कि पहले उसको रिस्क फैक्टर्स थे लेकिन कभी हार्ट फेलियर नहीं था, अब सडनली कंडीशन बिगड़ गए, तो वैसे में भी एक बार एंजियो देख लेना समझदारी है, क्योंकि ब्लॉकेजेस वाले पेशेंट में हार्ट फेलियर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो वैसे केस में भी एंजियो करना समझदारी है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी, यदि किसी व्यक्ति को अगर हार्ट फेलियर है तो क्या हर व्यक्ति का एंजियोग्राफी करना जरूरी है, किन पेशेंट्स में एंजियो करने से फायदा होगा, किन पेशेंट में एंजियो करने का कोई मतलब नहीं है, और किन पेशेंट्स में आपको करना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां आपको नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमने करी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।